हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए आयरन कैल्शियम से भरपूर हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। यकीन मानिए, इसे खाने से बच्चों की हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बच्चों का वज़न भी तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। और इसे आप लंच या डिनर में बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो फिर चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस सुपर हेल्दी फूड को बनाने के लिए गैस पर कुकर रख दिया है मैंने। इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच घी और घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए, घी मेल्ट होने के साथ हल्का गर्म हो चुका है। अब मैंने 2 पिंच जीरा लिया है, इसे डाल देंगे। और इसी के साथ अब इसमें हम मिलाएंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे प्याज का रंग हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, प्याज और जीरे को मैंने हल्का सा भून लिया है। अब हम ले रहे हैं 2 छोटे चम्मच, मैंने प्लेन ओट्स लिया है, इसे हम डाल देंगे कुकर में। आप ओट्स की जगह पर चावल भी ले सकते हैं या फिर दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच मूंग की दाल ली है, छिलके वाली। आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। वॉश कर लिया है इसे अच्छे से, इसे हम कुकर में डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। तो ये देखिए, मैंने इसे हल्का सा भून लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो गई है इसमें से। अब हम यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पालक लिया है, 8 से 10 पत्तियाँ पालक की ली थी। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैंने पनीर लिया है मैश किया हुआ, इसे ऐड कर देंगे। आप इसके साथ में गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लौकी भी मिला सकते हैं या फिर ब्रोकली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे, तो 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इतनी ही क्वांटिटी में नमक लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही हम ले रहे हैं 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, इसे ऐड कर देंगे। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी हम कुकर में डाल देंगे। तो ये देखिए, पानी मैंने डाल दिया है। एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिक्स करने के साथ ही अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए, कुकर में 4 सीटी आ चुकी है, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है। अब इसका हम ढक्कन हटा लेते हैं और यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं। तो आप इसे थोड़े से बड़े बच्चों को खिला रहे हैं, तो आप इसे एज इट इज़ खिला सकते हैं। थोड़े से छोटे बच्चों के लिए आप इसे मैशर की हेल्प से मैश कर सकते हैं या फिर इसे प्यूरी फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे हल्का दरदरा सा, ये देखिए, इस तरह से मैश कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैश हो चुका है, ये देखिए। और अब ये हमारी हेल्दी रेसिपी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, फूड अब हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में और ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के बच्चों के लिए आयरन कैल्शियम से भरपूर हेल्दी वेट गेन रेसिपी। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है। यकीन मानिए, इसे आपका बच्चा बहुत ही स्वाद लेकर खाएगा और इससे बच्चों का वज़न भी तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। हड्डियाँ कमज़ोर हैं बच्चों की, तो वो भी मजबूत हो जाएंगी। तो एक बार आप इसे बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो कैसी लगी डियर पेरेंट्स आपको आज की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।